ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जयपुर में दो दिन चला आदिवासी विकास परिषद का सम्मेलन संपन्न तो हो गया, लेकिन अपने पीछे कई विवाद छोड़ गया। सम्मेलन के दौरान रिटायर्ड IRS लेखक रूपचंद वर्मा ने अपनी पुस्तक अधूरी आजादी वितरित की। सम्मेलन में बांटी गई किताब में ब्राह्मणों को यूरेशिया से आया हुआ आक्रांता और महात्मा गांधी को रूढ़िवादी नस्ल भेदी बताया गया। सम्मेलन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने किया था। मंगलवार को समापन सत्र में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए थे। दो दिन तक चले इस सम्मेलन में कांग्रेस BJP के कई नेता शामिल हुए। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं गए। बताया जाता है कि विवाद की आशंका के चलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनाने के बावजूद नहीं गए। अधूरी आजादी किताब के पेज 15 पर लिखा है कि ब्राह्मण ऐसे आक्रांता आर्य लोगों का समूह है जो करीब 5000 साल पहले यूरेशिया से भारत में घुसे थे। इसी तरह पेज नंबर 11 पर लिखा है कि जयपाल सिंह ने संविधान सभा में कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बताता है कि नव आगंतुक आर्यों ने सिंधु सभ्यता को नष्ट करके आदिवासियों को मैदानों से दूर जंगलों में खदेड़कर उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया। यहाँ बैठे अधिकांश लोग ऐसे ही घुसपैठिए हैं। किताब के पेज नंबर 13 पर लिखा है कि ऐतिहासिक झरोके से देखने पर साफ नजर आता है कि मुट्ठी भर ब्राह्मण अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए मौके के हिसाब से रणनीतियां और चाले बदलते रहे हैं। यह सिलसिला बौद्ध काल से लेकर आज तक चालू है। बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से घबराए ब्राह्मणों ने क्रूरता की हदें लांघकर निहत्ते अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, धर्म ग्रंथों को जलाया, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया, बौद्ध अनुयायियों को अछूत घोषित कर उन्हें मैला उठाने के लिए मजबूर किया। किताब के पेज नंबर 8 और 9 में महात्मा गांधी के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। किताब में गांधी के लिए लिखा है कि अंग्रेज गांधी को बहुत काइयां और दोहरी बात कहने वाला राजनीतिज्ञ मानते थे, उनमें सच्ची संत प्रति नाम मात्र की भी नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गांधी को दोहरे चरित्र का व्यक्ति बताया है। गांधी ने वर्ण जाति आधारित समाज का कट्टर समर्थक बनकर ब्राह्मणवाद बढ़ाया, लेकिन पश्चिमी दुनिया को दिखाने के लिए उदारवादी लोकतंत्रवादी बन गए थे। अधूरी आजादी किताब में महात्मा गांधी के चरित्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए पेज नंबर 9 पर लिखा गया है कि लंगोटी पहनकर फकीरी के दावेदार गांधी को उद्योगपति बिरला की दिल्ली स्थित आलिशान बंगले में निवास करने और ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने के लिए अपनी जवान पोती के साथ सोने में कोई परहेज नहीं था। अरुंधति रॉय ने गांधी और अम्बेडकर में गांधी के महात्मा के चोले को उतार कर उन्हें तथ्यों के आधार पर नस्ल भेदी और रूढ़िवादी इंसान बताया है। गांधी मनुस्मृति की सीढ़ी नुमा जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। अधूरी आजादी किताब के भारतीय लोकतंत्र पर हावी ब्राह्मणवाद चैप्टर में लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत की बागडोर संभालते ही ब्राह्मणवाद और परिवारवाद को खूब हवा दी। नेहरू ने 1952 के आम चुनाव में 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट देकर 47% को जिताया। प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू 4 दशकों तक देश की सत्ता पर काबिज रहे। इस दौरान ब्राह्मणों ने देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, संपत्ति पर वर्चस्व कायम कर लिया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित सभी पदों पर ब्राह्मण छा गए। अधूरी आजादी किताब में लिखा है कि इतिहास पर नजर डालने पर गांधी, नेहरू और कांग्रेस के दोगलेपन और धोखेबाजी का खुलासा होता है। इन्होंने अंबेडकर और जयपाल सिंह को धोखा दिया। नेहरू ने अपनी कैबिनेट में किसी आदिवासी को मंत्री नहीं बनाया। जवाहरलाल नेहरू का ब्राह्मणवादी दोगलापन, भू प्रबंधन, शिक्षा, कश्मीर समस्या, इंडियन सिविल सर्विस की अंग्रेज प्रशासनिक व्यवस्था में साफ दिखाई देता है। किताब में पेज नंबर 6 पर लिखा है कि ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने यह भ्रम फैलाया है कि आजादी गांधी और ब्राह्मणवादी कांग्रेस के प्रयासों से मिली थी। वास्तव में विश्व युद्ध से बर्बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज और नौसेना की बगावत जैसे ऐतिहासिक कारणों का मिला जुला परिणाम थी। किताब में लिखा है कि षड्यंत्रकारी बंटवारे के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में पिशाची नरसंहार हुआ, करोड़ों लोगों की जान माल की क्षति हुई। इसे साबरमती के तथा कथित संत गांधी की बिना खड़क बिना ढाल अहिंसक आजादी नहीं कह सकते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।